पूर्वक सुनिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल अपने बिजी शेड्यूल से ये वीडियो आप सब के लिए जानकारी के लिए ये साझा कर रहा हूं ताकि ये बात आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की, उसकी नेगेटिविटी क्या है, फिर बात करेंगे कि शुक्ल पक्ष की पॉजिटिविटी क्या है। देखिए यहां पर कृष्ण पक्ष के सातवें दिन के बाद से चंद्रमा शीर, इसको शीर चंद्रमा भी कहा जाता है, दूषित चंद्रमा भी कहा जाता है, तो सबसे पहली चीज आपको इमोशनल इम्बैलेंसेस देगा, इमोशनली आप बहुत वीक होंगे, खासतौर दसवीं के बाद से लेकर के अमावस्या तक जब चंद्रमा आसमान में नहीं होता वो एकदम डाउन होता जाता है, तो मतलब ब्रेन आपके बच्चे का बड़ा कमजोर होगा। अगर आप कोई महिला देख रही हैं, आप कोई पुरुष देख रहे हैं, या कोई बेटा या बेटी देख रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, या अपने मम्मी पापा से पूछिए भाई किस दिन जन्म हुआ था मेरा, और आप उसको कैलेंडर पे देखिए कि उस दिन क्या था, क्या वो कृष्ण पक्ष का समय था या शुक्ल पक्ष का समय था। अगर आप इमोशनल इम्बैलेंसेस देख रहे हैं, और महिलाओं को अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है तो भी ये चंद्रमा ही उनके पीरियड्स को गवर्न करता है, इसलिए ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज, अगर चंद्रमा आपका चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष का हो और दसवें दिन के बाद से लेकर के और अमावस्या के अंदर अंदर का होगा, तो ब्लड प्रेशर, जो बीपी प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि चंद्रमा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमारे ब्लड को, हमारे ब्लड की जो स्पीड होती है उसको गवर्न करता है, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देगा ये। दूसरी चीज, अगर सेक्सुअल लाइफ की बात करूं तो कुंडली में चंद्रमा, क्योंकि हमारे हमारे जो इमोशंस हैं उसका कारक होता है, और अगर वो कुंडली में दूषित हो राहु के साथ में, मैं अभी आगे एग्जांपल में बताने वाला हूं आपको, ये वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। यहां अगर चंद्रमा दूषित होगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होगी, जिसको ईडी कहते हैं, मतलब सेक्सुअल लाइफ आपकी बड़ी कमजोर होगी, जब आप इंटरकोर्स करने जाएंगे या तो मन नहीं लगेगा, और या फिर जब आप सेक्स कर रहे होंगे तो कुछ मिनट में, मतलब एक मिनट दो मिनट में आप डिस्चार्ज हो जाएंगे और आप हट जाएंगे, या तो वो फीलिंग ही नहीं आएगी जो एक स्ट्रांग फीलिंग आनी चाहिए, जो जिसको कहते हैं उस इंटीमेट पल को लंबे समय तक एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे, जो जो लोग भी कृष्ण पक्ष में दसवीं के बाद से लेकर के अमावस्या के अंदर का जन्म होगा, उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं होती, वो वीक होती है, उनकी सेक्स करने की टाइमिंग बड़ी कमजोर होती है, या तो मन ही नहीं लगता या चिड़चिड़ा जाएंगे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु अगर कृष्ण पक्ष में वाले हैं, कब जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है या कब बड़ा ऐश्वर्य, और अगर शादी नहीं हो रही तो शादी किस साल होने वाली है, गुरुजी आपको वो महीना वो साल बता देंगे, बस जन्म डिटेल्स एक्यूरेट होनी चाहिए। गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर अभी सेव कर लीजिए और अपनी जन्म डिटेल्स गुरुजी को व्हाट्सएप करिए और जानिए अपने भविष्य के बारे में।